चलिए दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट अमरबीर और आप देख रहे हैं चंडीगढ़ डेटा रिकवरी का यूट्यूब चैनल। मंडे 27/3/2023 का ये दिन है जिस दिन मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं, और अर्ली मंडे है। मंडे वाले दिन काफी सारा काम रहता है, सो पहला काम जो मैं आज करूंगा वो मिस्टर जगदीप सिंह का एक सीगेट का हार्ड ड्राइव है, उसकी डाटा रिकवरी हम करेंगे। तो उसकी डाटा रिकवरी का कुछ ब्रीफ इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। देखिए, हार्ड ड्राइव भाई साहब की कुछ इस प्रकार की थी, ऐसे मोटी सी, और सीगेट की कोई 2 टेराबाइट की वो हार्ड ड्राइव है। ये वो नहीं है, ये उसका डोनर है। इसको अभी हमने क्लीन करके क्लीन रूम में लेके जाना है, मगर मैं उस हार्ड ड्राइव के बारे में आप लोगों के साथ कुछ शेयर करना चाहता हूं। मैंने अपने YouTube चैनल में काफी सारे वीडियोस बनाए हैं जहां मैंने ये एक्सप्लेन किया है कि आप लोग जब एज अ कस्टमर, जो आप कस्टमर हो, जब आप अपने कंप्यूटर वाले डीलर से कोई हार्ड ड्राइव की डिमांड करते हो और वो आपको एक रेट देता है, और फिर आप किसी दूसरे बंदे से रेट पूछते हो, तो आपको ऐसा लगता है कि यार वो बंदा तो लूट रहा है मुझे और ये वाला बंदा तो बड़ा अच्छा रेट दे रहा है। उसमें डिफरेंस ये है कि हो सकता है जिससे आपने दूसरी बार बात की वो आपको एक्चुअली एक ब्रांड न्यू हार्ड ड्राइव दे रहा है विद 2 to 3 ईयर वारंटी, और वो जो आपका दूसरा वेंडर है वो शायद आपको एक सेकेंड हैंड रिफर्बिश्ड हार्ड ड्राइव बेच रहा है 1 साल की वारंटी बोल के। अब तो मैंने ये भी देखा है कि कुछ इम्पोर्टर ये जो सेकेंड हैंड रिफर्बिश्ड हार्ड ड्राइव्स की इम्पोर्टिंग करते हैं, ये 2-2 साल की गारंटियां भी देनी शुरू कर रहे हैं। तो जैसे अब ये हार्ड ड्राइव जो है, अगर मैं आपको जगदीप की हार्ड ड्राइव वो दिखाऊं तो उसमें वो जो लेबल है वो लेबल बिल्कुल फेक है, पता लगता है कि कोई लेबल बना के किसी ने चिपकाया है, और जहां इसका मॉडल नंबर लिखा होता है वहां पर उसमें 4 टेराबाइट लिखा हुआ है, जबकि वो एक 2 टेराबाइट की हार्ड ड्राइव है। तो ये जो हार्ड ड्राइव जगदीप की है, ये सीगेट की भोगाट सीरीज की है, और इसमें 3 प्लेटर है और 6 हेड है। तो ये एक डोनर है मेरे पास जिसमें भी 3 प्लेटर और 6 हेड है, आप देख सकते हैं ये ड्राइव। तो इस ड्राइव को हम अब अपने सिस्टम पे लगाते हैं। पीछे मैंने एक डॉक में 4 टेराबाइट की एक टेस्टिंग वाली हार्ड ड्राइव लगाई है जिसमें हम इसकी कुछ सेक्टर्स की क्लोनिंग करेंगे और देखेंगे कि जितने भी इसमें हेड हैं वो हेड सारे तंदुरुस्त हैं, तगड़े हैं, सो दैट कि अगर जब हम इस हेडों को निकाल के पेशेंट में लगाएं तो पेशेंट का हम प्रॉपरली डाटा रिकवर कर सके। चलिए अब हम वीडियो का नेक्स्ट पार्ट शूट करते हैं जहां पर मैं हार्ड ड्राइव को यहां लगा के हम उसको आगे चेकिंग करते हैं। चलिए हार्ड ड्राइव की टेस्टिंग करते हैं। ये एक डोनर हार्ड ड्राइव है जिसका हेड निकाला जाएगा। अब हमने इसको टूल के 0 नंबर चैनल में फिट कर दिया है। ऐसा नहीं दिखने में मैं लगता जैसे ये सारा अजीब सा इसका फोटोग्राफ आता है, ये जो नया मेरा फोन है ये अजीब सी फोटोग्राफी करता है वीडियो की, ठीक है, पर नॉर्मली ये काफी 8K रेजोल्यूशन तक शूटिंग कर सकता है, मगर मैं इससे तकरीबन 1080p की ही शूटिंग करता हूं। अभी भी मैं देख रहा हूं स्क्रीन पे तो मेरे लिप्स और मेरे साउंड की सिंकिंग ठीक नहीं है। ये वीडियो जब मैंने बनाए, पिछले 2-3 वीडियो जो मैंने अपलोड किए, तो सारे मुझे करेक्ट करने पड़े घर पे जाके। देखते हैं इसका क्या हालत रहता है, मैंने थोड़ी सी R&D तो की है, लेट्स सी। चलिए अब हम टूल को चालू करते हैं। हार्ड ड्राइव को पावर दी गई है। इसमें भी मुझे
फेल ओपी 0900 आरएसपी इक्वल टू 005, यानी हेड तो इसका भी कोई बहुत बढ़िया मुझे नहीं लग रहा एनी हाउ, बट इसकी आईडी रीड करते हैं और ये बिल्कुल डिटेक्ट हो गई है। एसटी 2000 वीएम 002 और ये बोगाट सीरीज की है, ये 4F नंबर है इसका। चलो इसको स्टार्ट करते हैं और आप देखो सारा पास कर पाया ये। अब हम देखते हैं कि क्या इसका बैकअप हमारे पास है। बैकअप मुझे लगता है हमारे पास इसका है ऑलरेडी। अब डेटा एक्सट्रैक्टर को खोलते हैं और डेटा एक्सट्रैक्टर खोल के हम ये इसके सारे हेडों का मैप बना के भी कौन सा हेड कौन से सेक्टर्स को रीड कर रहा है कौन सा, और फिर सारे हेडों की टेस्टिंग करते हैं। क्योंकि अगर आपका डोनर ही तंदुरुस्त नहीं है तो आप क्लाइंट की डाटा रिकवरी कैसे कर सकते हो। सो चलिए एक नया टास्क क्रिएट करते हैं। 4 TB की हार्ड ड्राइव एक पीछे लगाई हुई है मैंने। एक नया टास्क क्रिएट कर दिया गया है, बस खुलने की देरी है। अब हम हेड का मैप बनाते हैं। हेड मैप बनना शुरू हो गया। नीचे लाइन थोड़ी थोड़ी आपको शायद नजर आ रही हो, पक्का नहीं, बट वो बन रहा है। और मैं देख रहा हूं कि इसकी स्पीड अच्छी है बनाने की, जिससे पता लगता है कि थोड़ा हेल्दी कंडीशन तो है। हेडों की इतना बुरी हालत नहीं है। कई बार हेड थोड़े तंदुरुस्त होते हैं और प्लेटर थोड़ा सा कमजोर रहता है, तो ऐसा भी होता है। अभी 6 हेड आएंगे, फिर हम उनकी 3 बार टेस्टिंग करेंगे अलग 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 लोकेशंस पे। अगर ये QC पास करता है, क्वालिटी कंट्रोल पास करता है, तभी हम इसको आगे लगाएंगे। फिर हम इसका आगे का वीडियो शूट करते हैं अंदर जाके, इसकी क्लीन रूम में जो काम करना है। इसका हेड रिप्लेसमेंट का टूल मेरे पास है, तो वो भी मैं बीच बीच में आपको बताऊंगा। वो देखिए 6 के 6 बन गए हैं हेड्स के मैप। अब हम इसका सरफेस चेक करते हैं। ये हार्ड ड्राइव थोड़ी सी स्लो है क्योंकि ये बहुत पुरानी हार्ड ड्राइव है। अब ये जो हार्ड ड्राइव मुझे लगता है जगदीप ने तो अभी खरीदी है, मगर वो शायद 2012 में बनी हुई हार्ड ड्राइव है। कमाल है, देखो उनको भी ये नई नई कह करके हार्ड ड्राइव में कस्टमर को दे रहे हैं। ऐसे मूर्ख कस्टमर हैं जो उनसे खरीदते हैं। ये सारा पहली बार ओके आया, दूसरी बार चेक कर रहा हूं। और सुनाइए क्या चल रहा है आपके आपके एरिया में डेटा रिकवरी को लेके। क्योंकि ये वीडियो हिंदी में रहेगी, सो जितने हमारे बंदे हैं, लीजिए मेरी भी चाय आ गई है, जितने आप बंदे हैं आप बताइए आपके क्षेत्र में कैसे चल रहा है डाटा रिकवरी का काम। थोड़ा मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि यार आप प्राइजेस की मेंटेनेंस रखो, प्राइजों को एक दूसरे के साथ कम्पीट करने के लिए गिराओ मत। अगर ऐसा करोगे तो आप इस बिजनेस से एग्जिट कर जाओगे, बिजनेस से बाहर निकल जाओगे, क्योंकि आपके पास कमाई नहीं बचेगी। तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए। ज़्यादातर मैं ये देखता हूँ ये नए बच्चों में ये बड़ी प्रॉब्लम है। जैसे मान लो अभी चंडीगढ़ क्षेत्र में जो कोई नए नए आए हैं, तो उनको ऐसे लगता है कि यार इससे रेट कम कर देंगे। मगर मैं आपको बताना चाहता हूँ ये नए प्लेयर्स को कि अगर मैं अपने रेटों को गिराने में आ गया, मैं ऐसे रेट बना सकता हूँ कि आपका बिजनेस अनसस्टेनेबल बना सकता हूँ मैं, मगर ये बिजनेस करने का कोई तरीका नहीं होता। चलो ये दूसरे बार भी सारा कुछ इसने ओके किया कि हाँ सारे हेड ओके हैं। अब एक थर्ड टाइम करते हैं, तीसरी बार भी अगर ये पास हो जाता है तो ये हमारा डोनर बिल्कुल परफेक्ट है। फिर हम इस डोनर को क्लीन करवाएंगे, अंदर क्लीन रूम में लेके जाएंगे। आज सबसे पहला काम ही हमने ये करना है, देखते हैं इसका क्या बनता है। तो चलिए तीसरी बार भी ये ठीक था, तो इसको तो हम बंद करते हैं। पर एक चीज मैं आपको जरूर बताना चाहता हूं, इसमें देखता हूं मैं आपको इसका डेट बताता हूं। ये जो डोनर है इसका डेट देखते हैं क्या है।
512 केवी की है, 7/11/2011 सातवीं तारीख 11वां महीना 2011 की ये मैन्युफैक्चरिंग है, और वो जो पेशेंट है वो समझ लीजिए 2012 का बना हुआ है। तो आज की डेट में 2023 में अगर उसको कोई नया कह के बेच रहा है एक साल की गारंटी की तरह, तो आप खुद देख लो दोनों के मूर्खता लेवल में क्या, मतलब मैं कुछ कह भी नहीं सकता। चलिए बाहर निकालते हैं इसको और ये अंदर देते हैं सुरेश जी को, उसको क्लीन करेंगे और फिर हम नेक्स्ट वीडियो शूट करते हैं अंदर जाके। ओके सो ये लगी हुई है अभी जगदीप की हार्ड ड्राइव, हेड नंबर 01 तो मैंने बंद ही कर दिया है और ये चल रही है वेरी वेरी स्लो, मगर आप देखो इसको, हेड नंबर 01 और 02 मैंने डिसेबल कर रखा है। अब देखते हैं धीरे 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 ये क्या करती है। ओके तो दोस्तों ये रही जगदीप का केस जो अब हम कर रहे थे, मैंने आपको दिखाया कुछ पहले डिस्कशन की हमने, और फिर मैंने आपको दिखाया कि हम क्लीन रूम में काम किया हमने, फिर मैंने आपको दिखाया कि उस वाले सिस्टम पे हमने हार्ड ड्राइव को इनिशियलाइज भी कर दिया। अब देखिए इस हार्ड ड्राइव में 3 प्लेटर थे, तो हर प्लेटर के ऊपर नीचे एक हेड लगा होगा, 00, 01, 02, 03, 04, 05। तो 00 हेड ओरिजिनल जो HSA होता है, हेड स्टैक असेंबली, 00 वाली जो थी वो ठीक था, 01 घिसा हुआ था, वो हेड क्रैश ऑन प्लेटर था, 02 उसी की वजह से थोड़ा थोड़ा कंटेमिनेटेड था, 03, 04 और 05 ठीक थे। तो मुझे इसका बिल्कुल अंदाजा था कि अगर इसका हेड बदला जाएगा तो हो सकता है कि ये ना चले, पॉसिबिलिटी थी 50% थी कि ये चलेगी और उतना का डेटा दे देगी, मगर ये ड्राइव नहीं चली। अब ये क्लिकिंग करनी शुरू कर दी, इसको भी सॉल्व करने का चंडीगढ़ डाटा रिकवरी के पास ऑप्शंस रहते हैं। मैं इस प्रकार की प्लेटर डैमेज की रिकवरीज भी कर सकता हूं,
उसके लिए मुझे डेडिकेटेड टाइम चाहिए और इस वक्त मेरा सारा जो फोकस है वो फोकस टोटली एंड टोटली पेंडिंग केसेस को ख़त्म करने का है, जो स्मूथ केसेस हैं। फिर उसके बाद मैं ये सारे कॉम्प्लिकेटेड प्लेटर वाले जिन्होंने अप्रूवल दिया है वो मैं करूँगा। सो फिलहाल ये केस हम अभी क्लोज कर रहे हैं, पार्टी से हमने डिस्कशन की। तो मैं हूँ आपका होस्ट अमरबीर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल चंडीगढ़ डाटा रिकवरी। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, प्लस नोटिफिकेशन का भी आप ऑप्शन इनेबल करें, सो दैट कि जो भी मैं वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ वो आपके पास, आपके मतलब यूट्यूब के माध्यम से आपके पास पहुँचे। और अगर देखा जाए तो मैंने आपको बताना चाहता हूँ कि नेक्स्ट वेस्टर्न डिजिटल की एक डेस्कटॉप हार्ड ड्राइव थी, वो उसका एक वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पे मैं चढ़ा चुका हूँ। वो 29 तारीख को रिलीज होगा और उसके बाद में एक और है तोशिबा का, वो 31 को होगा। तो ये तो उसके बाद की वीडियोस हैं। तो ये मतलब मेरा कहने का मतलब है कि अब मैंने थोड़ा सोचा है कि मैं वीकली फुटेज खींचूंगा और संडे वाले दिन उसको एडिट रेंडर कर करके अपलोड कर दिया करूंगा कि आपके पास 2-3 वीडियोस पर वीक पहुंचती रहा करें। तो चलिए, आपका दिन शुभ रहे।